गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर थ्री पब्लिक सेक्टर इन इंडिया इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि यहाँ पर पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों की ही अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है जहाँ पर आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी मिलेगी वहाँ पर आपको पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलती है जहाँ पर आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मिलेगी वहां पर आपको प्राइवेट सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा मिलती है लेकिन जहाँ हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है तो पब्लिक सेक्टर जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो जो पब्लिक सेक्टर है पब्लिक सेक्टर मेनली उसका रीजन क्या है पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करने का मिक्स्ड इकोनॉमी में वो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल भी बना रहे प्लस जो सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के वो भी अचीव होते रहें पब्लिक एंटरप्राइज का क्या मतलब है पब्लिक का मतलब है वो एंटरप्राइज जिसे ओन मैनेज और कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है पब्लिक 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 सेक्टर मतलब मतलब पे एंटरप्राइजेस एंटरप्राइजेस करते हैं और public enterprises का मतलब जिन एंटरप्राइजेस को ओन मैनेज एंड कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है अकॉर्डिंग टू एस एच खेरा पब्लिक एंटरप्राइजेस आर इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय देंट्रल गवर्नमेंट और बाय दवर्नमेंट और ज्वाइंटली बाय देंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट तो पब्लिक सेक्टर में जो भी आपके स्टेट ओन एंटरप्राइजेस है हम उन्हें इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट का इनके ऊपर फुल कंट्रोल होता है तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन एंटरप्राइजेस का वो होता है कि सोशल वेलफेयर को प्रमोट करे लेकिन साथ साथ प्रॉफिट भी अर्न करे तो क्या ऑब्जेक्टिव पब्लिक एंटरप्राइजेस के पब्लिक सेक्टर के हम देख लेते हैं सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन सेविंग्स जो होती हैं किसी भी कंट्री में जितनी ज्यादा सेविंग्स होंगी उस सेविंग्स को जब चैनलाइज किया जाएगा इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट में जब आप उसे चैनलाइज करोगे तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगी जब हम उन कंट्रीज की बात करते हैं जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ सेविंग्स कम होती है इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होती है तो थ्रू पब्लिक सेक्टर पब्लिक एंटरप्राइजेस आप अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका जो रेट है वो एक्सेलरेट कर सकते हो वो किस तरीके से कि जो गवर्नमेंट है वो सेटअप करती है उन इंडस्ट्रीज को जिसकी वजह से प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो दूसरी इंडस्ट्रीज इनकरेज हो और जो सेविंग्स है वो इंक्रीज हो और उसे इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो तो उसकी वजह से जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो इंक्रीज करता है इंडस्ट्रीज होती हैं किसी भी कंट्री में वहां पर कैपिटल आपकी ज्यादा लगती है और जितनी कैपिटल लगती है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की कैपेसिटी से बाहर होती है तो इसकी ये जो रिक्वायरमेंट है कि जो कैपिटल Uh, जहां पर ज्यादा लग रही है उन इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में जो फॉर्म्स हैं जो कंपनीज हैं से उनको सेटअप किया जाए ये जो रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट फुलफिल करती है पब्लिक एंटरप्राइजेस को सेटअप करके नेक्स्ट इज टू प्रमोट इकोनॉमिक इक्वलिटी कंसंट्रेशन ऑफ पावर को जो इकोनॉमिक पावर है उसका कंसंट्रेशन जो है उसको रोकने के लिए ये जरूरी है कि जो भी की इंडस्ट्रीज हैं जो भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल में रहना चाहिए तो जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, अगर आपने जो इम्पोर्टेंट की जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, अगर आपने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दी तो जो इकोनॉमिक पावर है वो फ्यू हैंड्स में कंसंट्रेट होकर रह जाएगी तो इसीलिए जरूरी है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उन्हें सेटअप किया जाए ताकि इकोनॉमिक इक्वालिटी का जो ऑब्जेक्टिव है आप अचीव कर सकें देन टू चेक ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस आपका हेल्प करते हैं मोनोपली की ग्रोथ को रोकने में प्राइवेट एंटरप्राइजेस में अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं और पब्लिक उस एंटरप्राइजेस उस सेम इंडस्ट्री में नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है वो मोनोपली के जितने भी इफेक्ट्स हैं उसका प्रॉफिट उससे तो कमा लेंगे लेकिन जो अल्टीमेटली नुकसान होगा वो कंज्यूमर्स को होगा सोसाइटी को होगा द नेक्स्ट इज योर टू परफॉर्म वेलफेयर एक्टिविटीज सबसे ज्यादा एसेंशियल जो आता है कि क्यों पब्लिक एंटरप्राइजेस हम सेटअप करते हैं दैट इज कि सोशल वेलफेयर जो है उसको इंक्रीज किया जाए जो स्टेट है जो गवर्नमेंट है जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट का यहाँ पर हम रेफरेंस दे रहे हैं गवर्नमेंट को तो स्टेट जो है जब इंक्रीज करेगा अपना पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इकोनॉमी में तो जो भी कमिटमेंट्स हैं उसकी टूवर्ड्स वेलफेयर ऑफ इट्स तो वो उसे कम्पलीटली परफॉर्म कर पाएगा द नेक्स्ट इज टू सेट अप डिफेंस इंडस्ट्री किसी भी कंट्री की जो डिफेंस में इंडस्ट्रीज होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंट्री की जो सॉवर्निटी है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जो वही जो नीड्स हैं डिफेंस की नीड्स हैं उसको फुलफिल करते हैं डिफेंस इंडस्ट्रीज को आप पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस के भरोसे नहीं छोड़ सकते देन नेक्स्ट इज योर टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नजरिए से अगर हम देखें तो बहुत सारी रीजनल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है रीजनल इनइालिटीज का मतलब है कि कंट्री में कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिवेल्प्ड हैं और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अंडर डिवेल्प है तो जब हम पब्लिक एंटरप्राइजेस को सेटअप करते हैं तो उससे हमारी कोशिश ये रहती है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को उन जगहों पर सेटअप किया जाए जहां पर बैकवर्डनेस है जहां पर इंडस्ट्रियली बैकवर्ड रीजंस हैं वहां अगर आप पब्लिक एंटरप्राइजेस सेटअप करेंगे तो आपकी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी आपके रिसोर्सेज भी ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज होंगे तो इसीलिए जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो जरूरी है रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखे महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु वेस्ट बंगाल ये रीजनली अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियली डिवेलप्ड जो स्टेट्स हैं वो हैं लेकिन उसी तरफ अगर हम दूसरे स्टेट्स देखें जैसे उड़ीसा है बिहार है झारखंड है राजस्थान है ये रिलेटिवली बैकवर्ड एरियाज हैं देन टू इंक्रीज इनकम ऑफ स्टेट जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे कुछ इनकम जनरेट हो और वो जो इनकम है वो गवर्नमेंट को दे पाए और जो गवर्नमेंट है अल्टीमेटली उस इनकम को यूज करेगी पब्लिक के लिए ही डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में स्पेंड करके देन नेक्स्ट इज टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि आप सेल्फ सफिशियंट बने तो अगर इन द फील्ड ऑफ कैपिटल गुड्स और टेक्निकल नो हाउ आपको सेल्फ सफिशियंट बनना है तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो जरूरी है तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो प्रमोट करते हैं इस चीज को कि जो कंट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट बने सेल्फ रिलायंस बने इन द फील्ड ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्निकल नो देन नेक्स्ट इज टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी में जनरेट करेगी और ये एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो ज्यादा जॉब सिक्योरिटी देते हैं तो इसीलिए जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर तो एक टेबल दिया गया है यहाँ से आपका पूरा क्लियर हो जाता है कि प्रोग्रेस क्या रही है पब्लिक एंटरप्राइजेस की फर्स्ट प्लान से लेके ये जो फर्स्ट फाइव इयर्स प्लान्स हैं वो वाली चीज चल रही है कि जो फर्स्ट प्लान है सेकेंड थर्ड फोर्थ से लेके 2017-18 तक का डाटा दिया गया है नंबर ऑफ वर्किंग पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट प्लान में फाइव थे और टोटल इन्वेस्टमेंट थी 29 जो इंक्रीज होके 2017-18 तक उनका नंबर 257 हो चुका था और टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी उसमें टू करोड़ रुपीज हो चुकी थी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रोल क्या है सिग्निफिकेंस क्या है पब्लिक एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर का पब्लिक एंटरप्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री तो किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो अभी हमने अपने फर्स्ट टॉपिक में इससे पहले जो हमने टॉपिक किया ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे पब्लिक एंटरप्राइजेस के पब्लिक सेक्टर यहीं से हमारे पॉइंट्स निकल के आते हैं फर्स्ट है आपका कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी अंडर डेवेलप कंट्री के और अंडर डेवेलप कंट्रीज में सेविंग रेट कम होता है लो सेविंग रेट की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है और इस प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं थ्रू पब्लिक एंटरप्राइजेस द नेक्स्ट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम शेयर देखें पब्लिक सेक्टर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो ओवर द टाइम वो इंक्रीज हुआ है 1992, 93 में वो परसेंट था जबकि 2012, 13 में वो इंक्रीज होके 20.4 परसेंट हो गया देन बेसिक इंडस्ट्रीज जो भी आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज है जैसे आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई या हेवी मशीन्स में इंडस्ट्रीज हो गई फर्टिलाइजर्स, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एमिनेशन एक्सेट्रा जैसी जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज में आपकी एंटरप्राइजेस हैं जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उनकी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगी तो आपकी कंट्री जो है वो सेल्फ रिलायंट भी बनेगी और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर पाएगी लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज है इनमें हमें क्या चाहिए होता है इसमें हमें ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास उतना कैपिटल नहीं होता वो प्रॉफिट मोटिव से काम करती है तो जो कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सेक्टर का इन डेवलपिंग बेसिक इंडस्ट्रीज और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि जो कंट्री है वो सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ जो है वो अचीव कर पाए नेक्स्ट इज योर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है ट्रांसपोर्ट पावर कम्युनिकेशन बेसिक इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट और किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए ये प्री कंडीशन है कि ये सभी चीजें डेवलप्ड होनी चाहिए और जो भी एक्सपेंडिचर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे लगाते हो उसे सोशल ओवरहेड कॉस्ट कहा जाता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप स्टेब्लिश नहीं करोगे और इसको अगर आपने एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जो प्राइवेट सेक्टर से आपको नहीं मिल सकती और इसीलिए जरूरी है पब्लिक सेक्टर का होना देन नेक्स्ट इज योर इम्पोर्ट सब्सटिट्यूशन जो भी आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं जो भी काम करते हैं उनका मेन मोटिव ये रहता है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं बनाए जाए अपनी कंट्री में जिससे जो कंट्री है सेल्फ रिलायंट बन सके जिससे जो उनकी डिपेंडेंस है बाहर की कंट्रीज में जो कंपनीज हैं या बाहर की फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर वो कम हो जाए और उसी में एक चीज आती है दैट इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन अगर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका होगा मतलब आप इम्पोर्ट कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हैं तो कंट्री डेवलप करेंगी और जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं इसमें बहुत अप्रिशिएबल रोल प्ले करते हैं इन द फील्ड ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आपको बाहर से लाने की जरूरत ना पड़े सेम जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो उसी का वो सब्सटीट्यूट आपको कम प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में अपनी ही कंट्री में अवेलेबल करवाते हैं जैसे मेडिसन्स हो गई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वॉचेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड रेलवे इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा और अगर पब्लिक एंटरप्राइज ऐसा करेंगे तो जो आपका अमाउंट है फॉरेन एक्सचेंज का वो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट आप सेव कर सकते हैं नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन पब्लिक सेक्टर जो है इंडिया में वो प्रमोट करता है एक्सपोर्ट्स को कंट्री के लिए तो जो पब्लिक सेक्टर है उसमें रेलवे इंजन स्टील मशीनरी एक्सेट्रा जो है ये एक्सपोर्ट पब्लिक सेक्टर करता है जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन है मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन है उन्होंने इस एरिया में एक्सपोर्ट प्रमोशन के एरिया में बहुत अच्छा काम किया है देन नेक्स्ट लेस रीजनल डिस्पैरिटीज इस चीज को हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ एरियाज हैं आपके जो इंडस्ट्रियली डिवेल्प रीजन माने जाते हैं जैसे पंजाब गुजरात महाराष्ट्र जबकि कुछ एरियाज हैं जिन्हें हम इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज कहते हैं जैसे उड़ीसा बिहार एंड मध्य प्रदेश अगर आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सेटअप करते हो तो वो हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग रीजनल देन सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इंडिया की उसका जो एम है दैट इज सोशलिस्टिक टर्न ऑफ सोसाइटी को डिवेल्प करना इस सोसाइटी में इन नहीं होती है डिस्ट्रीब्यूशन की पब्लिक एंटरप्राइजेस जो हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इतना सरप्लस जनरेट करेंगे जितना ग्रोथ के लिए ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो पाए जो इन्वेस्टमेंट है पब्लिक सेक्टर में अगर आप करते हैं तो वो चेक रखता है इस चीज के ऊपर कि कंसंट्रेशन ना हो इकोनॉमिक पावर का प्राइवेट सेक्टर में देन पॉलिसी वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की अडॉप्ट करती है गवर्नमेंट ताकि जो पुअर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटीज़ है उनको रिड्यूस्ड रेट्स पर एसेंशियल गुड्स मिल सके वेजेस जो हैं लो पेड इंप्लाइज की वो उन्हें रीज़नेबल स्टैंडर्ड तक बढ़ाती हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक तरीके से एक ट्रेंड सेट करते हैं फॉर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी नेक्स्ट जो है दैट इज रिसोर्सिस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो लेस डिवेल्प कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है उसे बहुत सारे रिसोर्सिस चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर के लिए लेकिन एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही जो प्राइवेट सेक्टर है वो री करता है वापस इंडस्ट्री में लेकिन जब हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हैं वो या तो गवर्नमेंट को देंगे गवर्नमेंट को देंगे तो गवर्नमेंट वापस उसे डेवलपमेंट वर्क्स में लगाएगी या फिर पब्लिक सेक्टर जो होता है जो भी उसने प्रॉफिट अर्न किया है वो दोबारा से उसे री इन्वेस्टमेंट करता है डेवलपमेंट वर्क्स के लिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट इज प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इसको हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच